हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एवरीगल एनियन सैनिटरी नेपकिन के बारे में। दोस्तों, अब तक आपने कई कंपनी के सैनिटरी पैड यूज़ किए होंगे, पर एवरीगल का ये सैनिटरी पैड आपके लिए क्यों ज़रूरी है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे उसके पैकिंग के बारे में। तो ये सैनिटरी पैड का पैकिंग इस तरह के बॉक्स में किया हुआ रहेगा, जिससे आप यूज़ करने के लिए एक एक पैड निकाल के उसको वापस इस तरह से बंद भी कर सकते हो, ताकि बाहरी बैक्टीरिया अंदर न चले जाए। आपको इसका पैकिंग इस तरह से कुछ खोलना है, जिसको यूज़ करने के बाद आप वापस इसमें रब कर सकते हो और कचरे में डाल सकते हो, ताकि बाहरी वातावरण प्रदूषित ना हो। तो दोस्तों, इस सैनिटरी नेपकिन के कई सारे फीचर्स हैं। यूं कहा जाए तो ये नए ज़माने का स्मार्ट सैनिटरी नेपकिन है, जिसको डबल विंग्स दिया हुआ है, जिसके चलते जो लीकेज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर मैं दूसरा सैनिटरी नेपकिन रख रहा हूँ, जो कि मार्केट में मिल रहा है। आज मैं यहाँ पे दोनों का आपको लाइव डेमो दे रहा हूँ। एवरीकल का जो सैनिटरी नेपकिन है वो 7 लेयर से बना हुआ है, जिसमें लीकेज की कोई तकलीफ नहीं है। आप देख सकते हो प्योर कॉटन है, और जो मार्केट में मिल रहा है उसमें डबल विंग्स दिया हुआ है। अब मैं यहाँ पे 50 ml लिक्विड ले रहा हूँ। एवरीगल का जो सैनिटरी पैड है उसके ऊपर मैं ये लिक्विड डाल रहा हूँ। देखिए दोस्तों, किसे गिरते ही सूखने लगता है। जी हाँ दोस्तों, अब ये 50 ml लिक्विड मैं सैनिटरी पैड जो मार्केट में मिल रहा है उसके ऊपर डाल रहा हूँ। ध्यान से देखिए, मैंने दोनों सैनिटरी पैड के ऊपर बराबर 50-50 ml लिक्विड डाल दिया है। ये देखिए दोस्तों, लीकेज का प्रॉब्लम पहले से ही शुरू। और ये अभी तक ड्राई हो चुका है। और ये वाला सैनिटरी पैड देखिए आप, ओ बहुत ही ज्यादा पानी बाहर आ रहा है इससे, मतलब ये आपको ज्यादातर साथ नहीं देने वाला। मेरा वीडियो ये डेमो करने का यही मेरा उद्देश्य है कि आप ये लाइव देख सको। अब ये जो एवरीकल का सैनिटरी नेपकिन है उसके ऊपर मैं और वापस 50 ml लिक्विड डाल रहा हूँ। अब ध्यान से देखना, अब भी ये गिरते ही तुरंत ही सूखता है। इसमें 7 लेयर दिया हुआ है, जो सोचने की क्षमता को बढ़ा देता है। इसको आप 24 घंटे तक भी यूज़ कर सकते हो। और जो मार्केट का जो सामान्य सैनिटरी पैड आपको दिख रहा है वो 1-1.5-2 घंटे में काम तमाम हो जाएगा उसका। देखिए दोस्तों, अब भी ये ड्राई है। यहाँ पे रिजल्ट आपकी आंखों के सामने देख सकते हो दोस्तों। चलिए दोस्तों, एवरीगल का एनियन सैनिटरी पैड में आपको खोल के दिखाता हूँ कि क्यों ये महिलाओं के लिए ज़रूरी है। दोस्तों, इसमें जो एनियन की चिप दिया हुआ है वो ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाता है, जो महिला अंग को शुद्ध और साफ करती है। यह दुर्गंध और खारिज को भी दूर करते हैं, बैक्टीरिया का विरोध और शरीर के भीतर की बीमारी को रोकता है।
जी हाँ दोस्तों, मैं जो इंडियन चिप के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो चिप मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जिससे क्या दूर हो सकता है। ये प्योर कॉटन है दोस्तों, ऐसे 7 लेयर से बना हुआ है। यहाँ पे आपको जो ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है वो ऑक्सीजन चिप है, जिसको हम आयन चिप भी बोल सकते हो, एंटीबैक्टीरियल चिप भी बोल सकते हैं, जो स्त्री रोगों से बचाता है और मासिक धर्म के दर्द से आराम मिलता है। ये चिप थकान को भी कम करती है, खुजली को रोकने में राहत होती है। और दोस्तों ये वही जेल है जिससे शोषण क्षमता बढ़ती है, जिसके अंदर आप 100 ml भी लिक्विड डाल दो तब भी इसकी ऑब्जर्व कैपेसिटी बनी की बनी रहेगी। तो ये था एवरीगल का इंडियन सैनिटरी पैड। अब हम इसको ओपन करते हैं, क्या है इसके अंदर। तो दोस्तों जो मेरे हाथ में आ रहा है वो है एक तरह का प्लास्टिक जिससे हवा ट्रांसफर नहीं हो सकती और महिलाओं को उस जगह पर बैक्टीरिया ज़्यादा हो जाता है। देखिए जो हमको बताया जा रहा है प्योर कॉटन वो कैसे खुल, हकीकत ये कॉटन नहीं होता है, ये न्यूज़पेपर को रिसाइकलिंग करके उसका एक लेयर बनाया जाता है जो कि ये सैनिटरी पैड में दिखता है आपको, जिससे इन फ्यूचर आपको कई बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। ये वीडियो देखने के बाद आपको यकीन तो हो गया होगा कि अब तक आपने जो सैनिटरी पैड यूज़ किया वो कितना खतरनाक साबित हुआ। तो आज ही चुने एवरीगल और आपकी सेहत और भविष्य दोनों को बचाएं।